सो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फार्मासिस्ट और एंड ड्रग्स यूट्यूब चैनल में। सो मैं अभिमन्यु और मैं आपको आज बताऊंगा कि एक नई डिवाइस के बारे में जो कि हाल ही में USFDA द्वारा अप्रूव किया गया है। सो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा दवा आ गया है मार्केट में कोरोना वायरस के लिए। सो अभी मैंने फ़िलहाल में ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और रेमडेसिविर के बारे में जानकारी दिया था मेरे पिछले वीडियो में। और इसके अलावा दो और भी दवा है जो कि एंटी एचआईवी है, बेसिकली एचआईवी के लिए वो काम करता है, लेकिन इसमें भी USFDA ने उसको क्लिनिकल ट्रायल में दिया है। ठीक है, मैं बता दूं कि कोई भी दवा जो है अभी पुख्ता तौर से USFDA जो है, FDA जो एक संस्था है बेसिकली किसी भी दवा को मार्केटिंग करने का अप्रूवल देने के लिए, वो कोई भी दवा अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी क्लिनिकल ट्रायल में, तो पहले दो दवा के बारे में बताया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एक है रेमडेसिविर, और दो दवा और भी चल रहा है, एंटी एचआईवी ड्रग है, ठीक है, रोपिटेनावीर और एक और है। ठीक है, तो ये चार दवा अभी मेनली क्लिनिकल ट्रायल में, मतलब कि ह्यूमन बॉडी पर टेस्टिंग में है अभी। तो अभी हाल में ही लेकिन USFDA द्वारा पहला कोई ऐसा डिवाइस या मतलब मेडिसिन तो हुआ नहीं, लेकिन पहला कोई डिवाइस जो कि USFDA ने अप्रूव किया है फॉर कोरोना वायरस, उस कोरोना वायरस के लिए। तो उस डिवाइस के बारे में चलिए आइए जानते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको मैं आपको टेक होम मैसेज बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आप लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो ये जो जो डिवाइस है, ठीक है, वो डिवाइस है क्या? देखिए, ये बेसिकली एक ब्लड प्यूरिफिकेशन डिवाइस है। ठीक है, तो हमारे रक्त को, हमारे ब्लड को जो है वो प्यूरिफाई करेगा। हमें जब किसी को इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस से, अगर किसी को संक्रमण होता है, तो उसमें जो है साइटोकिन का मात्रा, ठीक है, साइटोकिन एक खास तरह का प्रोटीन है और भी है जो कि बॉडी में फूलने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब किसी भी तरह का चोट, मतलब चोट लगे उस तरह का जो है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी एक पाथवे होता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स और जो साइटोकिन प्रोटीन, वो जो है मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनको जो है अगर नहीं हटाया गया तो ऑर्गेन फेलियर हो सकता है, हमारे बॉडी का जो ऑर्गेन्स है वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए USFDA ने एक एक ब्लड प्यूरिफायर को अप्रूव किया है हाल ही में, ताकि अगर कोई अगर और उसका एक पर्टिकुलर प्रावधान है कि अगर कोई अगर ICU में ये है मतलब भर्ती है, ठीक है, तभी हो पाएगा। ठीक है, और या फिर अगर कोई जो है बहुत ही सीरियस कंडीशन है, ठीक है, तो उसको उसके उसके लिए भी है ये। ठीक है, तो ये करता क्या है बेसिकली, ये ब्लड को लेता है बॉडी से और उसमें प्यूरिफाई करके साइटोकिन का जो मात्रा है और जो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन है उसको कम कर देगा और फिर से बॉडी में फिर से ब्लड को डाल देगा। ठीक है, तो देखिए ये जो अभी USFDA ने बताया है, ठीक है, यहाँ देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ, ये एकदम ऑफिशियल रिलीज है उसका। कोरोना वायरस COVID-19 अपडेट, FDA ऑथराइजेस ब्लड प्यूरिफिकेशन डिवाइस टू ट्रीट COVID-19। ठीक है, COVID-19 के लिए USFDA ने एक ब्लड प्यूरिफिकेशन डिवाइस का ऑथराइज कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, ठीक है, फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन, और ये 18 साल या 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए है ये बेसिकली, जिनमें कन्फर्म्ड केसेस है। ठीक है, कन्फर्म्ड केसेस या फिर जिनका रेस्पिरेटरी फेलियर हो चुका है। ठीक है, ये दो 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 मेन इम्पॉर्टेंट इस बात है, एक तो इमरजेंसी यूज़ के लिए, ठीक है, और इमरजेंसी यूज़ किसका है, एक तो 18 या 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए, और जिसमें या तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो चुका है या फिर आपका ये कन्फर्म्ड केसेस जिसमें कोरोना वायरस के कन्फर्म्ड केस है। ठीक है, और ये काम कैसे करता है, देखिए यहाँ लिखा है, बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ साइटोकिन्स एंड अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ठीक है, तो ये साइटोकिन और जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है ये सारे जो है बढ़ जाते हैं मात्र जब भी इन्फेक्शन होता है तो। ठीक है, और इस इन्फेक्शन से जो है बॉडी का ऑर्गन्स फेल हो सकता है, तो इसलिए ब्लड को प्यूरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये ब्लड प्यूरीफायर बॉडी से ब्लड लेकर के प्यूरीफाई करके साइटोकिन के मात्रा को कम करेगा, जैसे कि ऑर्गन फेलियर ना हो जाए। ठीक है, तो ये मेनली कन्फर्म्ड केसेस और जो ICU इंटेंसिव केयर यूनिट में जो लोग भर्ती हैं इस इन्फेक्शन के कारण, उनके लिए बनाया गया है ये। ठीक है, और खास बात यह है कि इसको इसका सिर्फ दो ही
कंपनीज को सिर्फ इसका ऑथराइजेशन दिया गया है। उस कंपनीज का नाम है, एक है टेरिमो बीसीटी और दूसरा है मार्कर थेराप्यूटिक्स एजी। ठीक है, टेरिमो बीसीटी एंड मार्कर थेराप्यूटिक्स एजी। ठीक है, तो यही दो कंपनी है जिसको सिर्फ ऑथराइजेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल रिलीज है, ये एकदम ऑफिशियल रिलीज है आपका USFDA का। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं USFDA का ऑफिशियल रिलीज है। ठीक है, तो इस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। तो USFDA द्वारा अब तक सिर्फ एक ही चीज़ जो है अप्रूव किया गया है, वो है ये ब्लड प्यूरिफायर। ठीक है, और बाकी तो सब क्लिनिकल ट्रायल में, 4 ड्रग क्लिनिकल ट्रायल में, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसके बाद आपका रेमडेसिविर और दो और ड्रग है, दोनों एंटी HIV ड्रग है। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशंस भी चेक किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट देशों में। ठीक है, अलग अलग विभिन्न विभिन्न देशों में। तो आज इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस का, तो हमारे बॉडी में साइटोकिन का जो मात्रा है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, और साइटोकिन से रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी पाथवेज है, उनसे रिलेटेड जो प्रोटीन है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और उनको कम करना आवश्यक है, क्योंकि अगर उनको कम नहीं किया गया तो हमारे बॉडी का ऑर्गेन फेलियर हो सकता है। तो इसलिए FDA ने, मतलब जो लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं या फिर जिनका कन्फर्म केसेस है, उनके लिए खास ये एक, मतलब कि रोकथाम के लिए एक तरह से बोल सकते हैं, ब्लड प्यूरिफायर को अप्रूव किया गया है, जिस जो कि साइटोकिन का मात्रा को कम करेगा ब्लड ब्लड में, और फिर उसको वापस से उसी पेशेंट के ब्लड को फिर से उसको रिप्लेनिश कर दिया, मतलब उसी बॉडी में दे दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अगर अच्छा लगा है तो इस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा रोचक बातें और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, मेडिसिन, फार्मेसी और भी बातें, और मैं कोरोना वायरस के बारे में रेगुलर अपडेट देते रह रहा हूँ। धन्यवाद।